मैं हूँ एडवोकेट नितिन सातपुते। 2015 में पायल घोष के साथ उन्होंने जो अभी आरोप किया है कि उनके साथ जो 2015 में उनके साथ जो मोलेस्टेशन हुआ था, उनको घर में बुला के उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया था, उसके बारे में अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। हम अभी कल पोशीवारा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। आज हम लोग के डिस्कशन चालू है, पेपर वर्क चालू है। ये पेपर होने के बाद हम लोग कल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि इतने साल पायल चुप क्यों बैठी थी और उसने अभी तक शिकायत क्यों नहीं की। पायल जो थी, वो जो एक्टर है, वो फिल्मी दुनिया में करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। जब 2015 में उनको इसी काम के लिए जब बुलाया गया था तो उनको मोलेस्ट किया गया था, उनकी प्रताड़ना की गई थी। बीच में जब उनके साथ जो हादसा हुआ तो उन्होंने वो ये सारे संपर्क तोड़ दिए। लेकिन बीच में जब उन्होंने कोशिश की कि जाके कोई शिकायत दर्ज करूँ या बहुत सारी चीज़ें करूँ, उनको डराया गया था कि अगर तुम शिकायत करोगे तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसके बाद तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलेगा। और इसी तरह उनको दबाया गया था और धमकाया भी गया था, अगर तुम शिकायत करोगी तुमको फिल्म से बॉयकॉट कर देंगे, कोई काम नहीं मिलेगा। और इसी तरह से उनको प्रेशराइज किया गया। इसकी वजह से पायल ने आज तक ये जो अपराध के बारे में पुलिस को कोई जानकारी दी नहीं, लेकिन अभी उसने धैर्य बना लिया है। बहुत सारे लोगों ने आगे आकर उसको सपोर्ट किया है और उसकी वजह से उसने अभी मन में ठान लिया है कि वो अभी अनुराग कश्यप के खिलाफ भी FIR दर्ज करेगी। और कल हम पुलिस थाने में, उशीवारा पुलिस थाने में जाकर इनके कल शिकायत करेंगे और बाकायदा FIR दर्ज करेंगे।